स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास टाटा कंपनी की हैरियर गाड़ी आई हुई है। तो फ्रेंड, हम इसमें आज एक डीजल फिल्टर इसका रिप्लेस करने वाले हैं। तो डीजल फिल्टर किस तरह रिप्लेस करेंगे, उसके लिए क्या क्या आपको ओपन करना पड़ेगा, वो सारे डिटेल हम आपको इसमें देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए, इसमें दो पाइप लगा हुआ है, ये मेन है, ये रिटर्न है, ठीक है फ्रेंड। ये जो पाइप है वो टैंक से आपका होकर यहाँ आता है, और ये जो रिटर्न पाइप है ये आपके बॉश पंप में जाता है, ठीक है। तो ये मेन पाइप है, रिटर्न पाइप है, ये सबसे पहले आपको दोनों पाइप ओपन करना पड़ेगा। और इसमें देख सकते हैं, ये सॉकेट है, ये सॉकेट किस तरह ओपन करेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं, ये जो येलो कलर का लॉक है, देखिए ये लॉक को आपको ऊपर करना पड़ेगा इस प्रकार से, ठीक है। कभी भी आप ये लॉक ऊपर कर लीजिएगा, ऊपर नहीं करेंगे तो आपका सॉकेट बाहर नहीं आएगा। ऊपर करके फिर आपको इसको बाहर लेना है इस प्रकार से, ये देखिए, ये आपका सॉकेट ओपन हो गया, ठीक है फ्रेंड। कभी भी ये लॉक ऊपर लीजिएगा, ऊपर नहीं करेंगे तो आपका सॉकेट नहीं निकलेगा। फिर दोनों जो हरा ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, आपको दोनों को दबाना पड़ेगा, दबा कर इसको बाहर लेना है दोनों इस प्रकार से, ये देखिए बाहर आ गया। फिर आपको 10 का ये बोल्ट खोलना है, 10 का जो बोल्ट खोलेंगे तो आपको ये पूरा फिल्टर बॉडी बाहर लेना है। 10 का बोल्ट खोलकर हम फिल्टर बॉडी पूरा बाहर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये बोल्ट हमने एक ओपन कर दिया है। इसी प्रकार से एक और बोल्ट पीछे साइड है, यहाँ से यहाँ पे, वो आपको दिखेगा नहीं, यहाँ से पीछे साइड एक बोल्ट है। ये देखिए, ये दूसरा बोल्ट है इसका, ठीक है फ्रेंड। तो 10 का दो बोल्ट है, दोनों बोल्ट ओपन करके आप पूरा ये बॉडी बाहर ले सकते हैं। ये देखिए, पूरा बॉडी हमने बाहर ले लिया है। अब इसको हम वाइस में बांधेंगे, और ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, देखिए 6 बोल्ट है T20 का, ये 6 बोल्ट ओपन करेंगे, और ओपन करके इसका ये बॉडी बाहर निकाल के आपको इसके अंदर का फिल्टर दिखाते हैं। तो फ्रेंड, ये देखिए, इसका डीजल फिल्टर है, ठीक है। ये पूरा यूनिट के साथ आएगा, हम आपको दिखाते हैं निकाल कर इसको। यहाँ पे इसको डालकर कटाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पाइप आता है यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से। देखिए, ये आपका पूरा डीजल फिल्टर बाहर आ गया। तो इसको हमने पूरी तरह से क्लीन कर लिया है, अब इसका नया डीजल फिल्टर हम इसमें लगाएंगे। ये देखिए, इसका नया डीजल फिल्टर है, नया वाला है, ये इसका जूना वाला है, देखिए। ठीक है फ्रेंड, तो हमने रिंग पे थोड़ा सा आयल लगा दिया, ताकि हमारा आराम से बैठ सके ये। तो फ्रेंड, थोड़ा इस पर भी हम आयल लगाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे डबल रिंग है, आसानी से बैठ जाए। ये रिंग का जो पोजीशन है इसके अंदर बैठेगा, इसके लिए थोड़ा सा हमने हल्का उसके भी रिंग पे आयल लगा दिया है। देखिए, आयल लगाने के बाद कितना आराम से बैठ गया हमारा फिल्टर। फ्रेंड, पाइप को आप बराबर से लगाइएगा, क्योंकि तो कंपनी से आता है पाइप लगा हुआ, लेकिन ऑलरेडी क्या हम फंसा है कि नहीं फंसा है। अगर ये आप बराबर नहीं लगाएंगे, पाइप अगर अंदर गिर गया तो आपका यहाँ से एयर ब्लीडिंग नहीं होगा। जब एयर ब्लीडिंग आप करने जाएंगे तो यहाँ से डीजल नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रॉपर से बिठा कर एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा डीजल फिट करने वाला पूरी तरह से प्रॉपर बैठ चुका है। यहाँ पर देखिए, एक कट है, ये आपको बॉडी एक कट टू कट मैच करना है,
वो जो आपका इजीली ये बैठेगा, ये देखिए आपको यहाँ से ये कट के सामने इसको आपको लाना है। ये देखिए पूरी तरह से प्रॉपर बैठ चुका है। अब इसका हम जो भी बोल्ट ओपन किए तो लगा देंगे। तो ये बिठाने से पहले सारे बोल्ट को नॉर्मली पूरा टच कर लीजिएगा, एक ही बार फाइनल एक बोल्ट को टाइट मत कीजिएगा, क्योंकि आपका रबर जो है वो क्रॉस बैठ जाएगा, फिर आपका डीजल लीक होने का संभावना है। तो सारे बोल्ट को थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से टच कर दीजिएगा, उसके बाद फाइनल टच की टाइट कीजिएगा। तो अब हम इसको फाइनल टाइट करेंगे। हमने सारे बोल्ट को प्रेस कर लिया है। फ्रेंड टाइट करते समय भी क्रॉस में टाइट कीजिएगा। एक बार सारे बोल्ट को हाथ मार लेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा डीजल फिल्टर असेंबली हो चुका है। अब इसको हम गाड़ी में फिट करेंगे। फिट करके यहाँ से एयर ब्लीडिंग करेंगे, एयर ब्लीडिंग करके फिर गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे। तो पीछे का हमने बोल्ट टाइट कर दिया है। इसमें 2 10 के बोल्ट आते हैं, ठीक है। तो दोनों बोल्ट हमारा टाइट हो चुका है। अब हम इसका पाइप लगाएंगे। देख सकते हैं दोनों पाइप हमने लगा दिया है। अब इसका जो सॉकेट हमने ओपन किया था उसे भी लगाएंगे। ठीक है, ये हमने सॉकेट बिठा दिया है। अब ये जो येलो जो लॉक है इसको हम नीचे की तरफ प्रेस कर देंगे, लॉक हो जाएगा ताकि आपका सॉकेट बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ये भी हमारा हो गया है। अब हम आपको यहाँ से एयर ब्लीडिंग करके दिखाते हैं। हाँ, स्विच ऑन करो। स्विच बंद चालू करो 4 5 बार। हाँ करो। रुक जाओ, 2 3 बार स्विच बंद चालू करो। एयर ब्लीडिंग भी कर दिया है। अब गाड़ी को हम स्टार्ट कर, हमने डीजल फिल्टर के बॉडी को पूरी तरह से अच्छे से साफ कर लिया है ताकि हम गाड़ी स्टार्ट करके चेक कर सकते कि यहाँ कहीं से लीकेज होती तो नहीं है। ठीक है, तो फिल्टर देखिए कहीं से लीकेज हो रहा है। देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा डीजल फिल्टर हमने रिप्लेस किया है। देखिए कहीं से भी कुछ डीजल थोड़ा भी लीकेज नहीं है, ना पाइप से ना किसी भी चीज़ से। हमारा गाड़ी भी हाफ सेल्फ में चालू हुआ है। मंगल एक बार और हम आप चालू करें, क्लच दबा के देखिए हमने बंद किया है, अभी चालू करते हैं। देखिए हमारा गाड़ी हाफ सेल्फ में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो ठीक है बंद कर दीजिए। तो ये आज का हमारा वीडियो था, डीजल फिल्टर किस तरह रिप्लेस करें। तो हमने आपको इस वीडियो में फुल डिटेल दे दिया है डीजल फिल्टर रिप्लेस करने के बारे में। तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।